गोरखपुर में आज और कल बदला रहेगा यातायात, घंटा घर की ओर वाहन प्रतिबंधित। गोरखपुर में 22 या 23 अप्रैल को ईद को लेकर भी डायवर्जन सुबह 6 बजे से लागू कर दिया जाएगा। उधर बृहस्पतिवार को जिले की थाना पुलिस ने गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया और इस दौरान लोगों से मुलाकात कर शांति से त्योहार मनाने की अपील की। आखिरी जुमे की नमाज और ईद को लेकर डायवर्जन जारी कर दिया गया है। 21 अप्रैल शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर घंटा घर की ओर से जाने वाले वाहनों व रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद चांद दिखने के अनुसार अगला डायवर्जन किया जाएगा। 22 या 23 अप्रैल को ईद को लेकर भी डायवर्जन सुबह 6 बजे से लागू कर दिया जाएगा। उधर बृहस्पतिवार को जिले की थाना पुलिस ने गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया और इस दौरान लोगों से मुलाकात कर शांति से त्योहार मनाने की अपील की। जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ से जाने वाले शाह मारूफ रास्ते पर नमाज प्रारंभ से समाप्ति तक वाहन प्रतिबंधित। अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। रेती चौराहे से घंटाघर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इलाहीबाग चौराहा से बहरामपुर बंधे की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। बर्फखाना से भारी वाहनों को शहर की ओर आने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्हें लाल डिग्गी बंधा की ओर मोड़ दिया जाएगा और वाहनों को किसी भी दशा में शहर की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। अलीनगर चौराहा से हजारीपुर जाने वाले वाहनों को विजय चौराहा या तरंग टॉकीज की ओर से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ जटाशंकर की तरफ से हजारीपुर की तरफ आने वाले वाहन उक्त अवधि तक प्रतिबंधित रहेगा। टीपी नगर तिराहा से नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से तुर्कमानपुर व घंटाघर व घोष कंपनी की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हुमायूंपुर ओवरब्रिज तरंग चौराहा से अलीनगर चौराहा की ओर भारी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गोरखनाथ ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग से उत्तर गोरखनाथ की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। करमचंद चौराहा से बहरामपुर की तरफ कोई भी वाहन नहीं जाएंगे। इधर से शहर में आएंगे वाहन। फरेंदा से गोरखपुर आने वाले सभी वाहनों को बरगदवा तिराहे से गोरखनाथ मंदिर नहीं आने दिया जाएगा। उन्हें बरगदवा चौकी तिराहा से फर्टिलाइजर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यह वाहन खजांची पादरी बाजार मोहद्दीपुर ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए जाएंगे। महानगर से फरेंदा की ओर जाने वाली सवारी मोटर गाड़ियां व निजी बसें रेलवे स्टेशन सीएस चौराहा मोहद्दीपुर चौराहा चार फाटक ओवरब्रिज होते हुए जेल बाईपास पादरी बाजार चौराहा खजांची होते हुए फर्टिलाइजर बरगदवा होकर जाएंगी।